ये देखिए दोस्तों, मेरा भगोना गरम हो गया है। हम इसमें थोड़े से ऑयल डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची जो हमने पहले से पीसा हुआ है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसमें हम पानी डाल दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी चाशनी, हमने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। ये मेरी चाशनी हो जाएगी। अभी हम इसको उबाल आने तक इसको तेज़ कर देंगे। तो हमने खोया लिया हुआ है, ये देखिए, हम इसको मैश करेंगे हल्के हाथों से। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको मैश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा खोआ मैश, हमने इसको काफ़ी देर तक मैश किया हुआ है। अब हम इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे। ये देखिए, हमने छोटा चम्मच लिया है, बड़े चम्मच से 2 चम्मच डालिएगा आप। अब हम इसमें गरी का बुरादा डालेंगे। अब हम इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। यह हम इसको सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमने सारे चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम इस तरीके से इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा तेल गरम हो गया है। ये हमने पहले से गोलियां बना रखी थी। ये देखिए, अब हम एक एक करके डालेंगे। ये देखिए, हमने एक एक करके डाल दिए हैं। अब हम गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसको हमें डीप फ्राई करना है। ये देखिए, ये मेरा गोल्डन हो रहा है। ये देखिए, हम इसको धीमे आंच पे बनाएंगे, इसको धीमे आंच पे फ्राई करेंगे ताकि अंदर कच्चा ना रह जाए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें इसको चाशनी में डालेंगे। ये देखिए, मेरी चाशनी तैयार है। ये हम इसको चाशनी में डाल देंगे। हेलो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा रसगुल्ला तैयार।